पिछली वीडियो में मैंने आपको एक एक बहुत ही दुर्लभ रहस्य का उजागर किया कि शक्तिमान भी एक बार घायल हुआ था। लोगों को अचंभा भी हुआ और कई लोगों को पसंद भी आया कि आपने बहुत अच्छी बात, आपको अपने ज़िंदगी के रहस्य बता दिया, आपने एक हमको एक अनकही कहानी आपने सुनाई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस 100 फीट के ऊपर से गिरना, किसी का हाथ से कोई फिसल जाना, फिर उसके बाद में मैंने शूट किया, फिर उसके बाद में मैं हॉस्पिटल गया, फिर प्लास्टर चढ़ गए, वो सारी कहानी के बीच में, उठा पटक के बीच में, कुछ लोगों को, कुछ चंद मेरे चाहने वालों को, ये सब के बीच में ये नज़र आया कि मेरे उस जो जर्सी मैंने पहनी थी, टी शर्ट, उसके बाईं तरफ एक थोड़ी सी वो फटी हुई थी। किसी ने तो पॉइंट करके भेजा उसको, मैंने कहा, मुझे हंसी भी आई ये देख कर कि उन्होंने कहा कि ये इन्होंने पहनी, तो मैं आपको बता दूं, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ ये, ना ही मैंने उसको मैंने इवन वीडियो बनाने के बाद मैं खुद चेक करता हूँ, मैंने देखा वो एक एक फ्रेम में आता है, पर मैंने कहा जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर फर्क पड़ता है तो मैं आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो आजकल की जो मॉडर्न लड़कियाँ हैं, जो प्लेन में भी आप देखते होंगे, घुटनों पे यहाँ पर फटे हुए जीन्स होते हैं, जिसको वो लोग मॉडर्न जीन्स कहते हैं, जिसकी कीमत भी दुगनी होती है, आप लोग उसे फैशन मान के उसे एक्सेप्ट करते हो, और मेरे अगर टी शर्ट में थोड़ी सी अगर एक बीच फटी रह गई तो आप लोगों को लगा कि अरे मुकेश खन्ना तो कितने गरीब आदमी हैं, उनके पास कपड़े नहीं हैं पहनने के। मैं आपको बता दूं, अगर आप समझते हो कि मैं गरीब हूं तो ठीक है, मैं गरीब हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। पर एक बंदे ने अच्छा एक हटके कॉमेंट लिखा, बोला देखिए मुकेश खन्ना जी कितने सादगी भरे इंसान हैं। आप वीडियो में देखें कि वीडियो के पीछे पीछे एक फोटो में जो टी शर्ट उन्होंने सालों भर पहले पहनी थी, वही टी शर्ट उन्होंने आज पहनी है, और उसके अंदर एक छोटा सा होल भी है। तो कितने सादगी भरे इंसान है, हमें पसंद आया। तो मुझे ये पढ़कर भी हंसी आई, मैंने उनको भी जवाब दिया और आपको भी जवाब दूँ कि ये टी शर्ट मेरी फेवरेट टी शर्ट है, इसलिए मैं इसको अभी तो काफ़ी लूज भी हो गई, फिर भी मैं उसे पहनता हूँ, और वही पहनकर मैंने आपको कहानी सुनाई थी। खैर, दिस इज अ जोक सपाट, इसको हटा देते हैं, हम मेन मुद्दे पर आते हैं। देखिए, कई लोग मुझसे पूछते हैं एक सवाल जिसका मैं जवाब देना नहीं चाहता और देता भी नहीं हूँ। कई लोग मुझसे पूछते हैं, सर आपके बालों की सेहत का राज क्या है, आपके बाल पहले भी जैसे थे आज भी वही हैं। मैं सुन लेता हूँ, मैं कहता हूँ भगवान की दया है, मालिक की दया है, माता पिता की जीन्स होते हैं इसके बीच में। मैं हमेशा ये बात को अच्छा लगता है सुनने को, लेकिन मैं कभी भी उस पर गर्व नहीं महसूस करता ये कि मेरे बाल औरों से अच्छे हैं, ये भगवान की दया है, मैं मान के चलता हूँ। लेकिन एक नहीं, दो नहीं, 10 लोगों ने इस तरह के सवाल मुझसे बार बार किए हैं, मैंने कभी तवज्जो नहीं दिया। लेकिन रिसेंटली मैंने समय से बात की। जी हाँ, समय, मैं समय हूँ, हरीश भिमानी, जिसको मैं अपने इंटरव्यू अपने शो के लिए बुलाना चाहता था। बातों बातों में मैंने कहा कल करते हो, बोला नहीं मुकेश मेरे बाल थोड़े से बिखरे हुए हैं, थोड़े से यू नो उसको थोड़ा सा मुझे कुछ कटवाना है और वो ठीक करना। मैंने कहा क्या फ़र्क पड़ता है यार, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा 2 हफ्ते या 15 दिन पहले या 10 दिन पहले शायद मेरे बाल इतने बड़े बड़े हो गए थे, अभी मैंने उसे कटवाए और वो छोटे हो गए। तो मुझे कहा मुकेश तुम्हारे बड़े बाल हैं जिसे तुम छोटा कर सकते हो, हमें तो अपने बालों को एडजस्ट करना पड़ता है। मैं जोर से हंसा, फिर मुझसे कहा मतलब मुकेश तुमको मालूम नहीं, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये मुकेश खन्ना क्या खाता है, इसके जैसे बाल है वैसे हमारे बाल क्यों नहीं है। मैंने फिर वही कहा, मैंने कहा भगवान की दया है, मालिक की दया है। लेकिन बाद में मैं सोचने में मजबूर हुआ कि इतने लोग बोलते हैं, नोटिस करते हैं, तो हमें जवाब तो देना चाहिए। तो मैं आज आपको इस संक्षिप्त में कुछ बातें बताऊंगा। मैं अगेन वही बात कहूंगा कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, ना मैं कोई प्रैक्टिशनर भी नहीं हूं। हाँ, मैंने ज़िंदगी से जो कुछ भी अनुभव से पाया है, मैं बार बार कहता हूं कि जो कुछ भी मैंने अपने इन सालों में ज़िंदगी में पाया है, समाज से या अपने अनुभव से, वो सब मैं आपको लौटाने की कोशिश कर रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो मैं चलिए आपको ये तो नहीं कह सकता कि बालों को कैसे ठीक रखा जाए, उसका मैं कोई टिप्स दूं या राज दूं या कोई, मैं जैसे कहा मैं डॉक्टर नहीं हूं, पर मैं आपको अपने अनुभव से कह सकता हूं कि मैंने क्या किया जिसकी वजह से मेरे बाल मेरा साथ दे रहे हैं, शायद वो बता दूं तो शायद आपके वो कुछ काम आ सके। तो चलिए मैं आपको बताता हूं
चंद बातें जो मैंने की हैं मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि हम हमेशा अपने अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, शरीर को अच्छा बनाते हैं, डंबल्स चलाते हैं, मसल्स बनाते हैं, हम हर तरह की एक्सरसाइज करते हैं अपने शरीर को फिट रखने के लिए, लेकिन बालों की सेहत के बारे में कोई इंडिविजुअली नहीं सोचता। कुछ लोग सोचते होंगे लेकिन कम लोग सोचते हैं। तो आज मैं बताऊं कि शायद मैं उनमें से हूं जिसने बालों को शुरू से नोटिस किया और उसकी सुरक्षा के लिए या उसको मैंने कम से कम कुछ, जैसे एक वर्ड होता है कि यू गिव अटेंशन टू इट, आई गेव अटेंशन टू माई बाल। जैसे मैं एक बात बता दूं, सबसे पहली नंबर बात, साबुन होता है, साबुन हमेशा हमारे बालों के लिए अच्छा नहीं होता क्योंकि उसमें सोडा रहता है, बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, या बाल अगर साबुन अच्छे नहीं हो तो आपके बाल झड़ने भी लग सकते हैं, पानी पे भी निर्भर करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक आपने देखा होगा बचपन में पुराने ज़माने के टीवी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत एक अच्छा ऐड आता था, एक बच्चा नहा रहा है छोटा सा और उसके हाथ में एक ऐसा साबुन है और वो ऐसे दिखता है, उसमें ट्रांसपेरेंट है और वो ऐड वाला बोलता है कि ये देखिए ट्रांसपेरेंट साबुन है और ये, और बच्चा अट्रैक्ट होता है, मम्मी मुझे ये साबुन चाहिए। तो फिर कभी वो लेता है, कभी लक्स लेता है, कभी सिंथॉल लेता है, कभी दुनिया भर के लेता है, और वो भी इसलिए कि वो खूबसूरती से पेश किए होते हैं। ये सबसे ख़तरनाक बात है मेरे हिसाब से। मैं आपको बता दूं अपनी ज़िंदगी का एक रहस्य जो पहले भी बता चुका हूँ, मैं पिछले 25 सालों से आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स एक ही साबुन इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसका नाम है चंद्रिका। ये मैं कई बार कह चुका हूँ, चंद्रिका साबुन आयुर्वेदिक साबुन है और मैं उसको, मुझे उसके गुण अच्छे मुझे लगे थे और मैंने उसको इस्तेमाल किया। मैं नहाने के लिए मेरा साबुन अगर अलग हो सकता है लेकिन बालों के लिए मैंने एक ही साबुन रखा है। तो मैं आपको पहला पॉइंट बताऊंगा कि एक ही साबुन को रहने दीजिए अपने बालों को धोने के लिए। ये शैम्पू, आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि मैंने आज तक ज़िंदगी में शैम्पू नहीं किया। कभी कभी मैं बाल कटाने जब मैं जाता हूँ ब्यूटिक में यहाँ कहीं पर, तो वो लोग बोलते हैं सर शैम्पू कर दो, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं करो, सिर्फ एक गर्म पानी से साफ, बाल कटाने के पहले मैं सिर्फ नल से पानी से धुलाता हूँ, मैंने आज तक शैम्पू नहीं किया। शैम्पू अच्छा नहीं रहता, लोग शैम्पू इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि उनको लगता है कि शैम्पू आपके बालों को ज़्यादा क्लीन करता है। अरे साहब आप पानी से नहाइए, साबुन लगा लीजिए एक साबुन, वो भी साफ करेगा। इस शैम्पू के चक्कर में और शैम्पू ज़्यादा इस्तेमाल करने के बहुत लोगों ने नुकसान भी बताए हैं और वो नहीं करना चाहिए। इसी तरह से अगर एक बात कह दूं कि लोग हिजाब लगाते हैं, लोग बालों को काला करने के लिए, अगेन मैं अपनी तारीफ़ नहीं करूंगा क्योंकि लोग बार बार मुझसे कह रहे हैं सर आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, आप अपनी ही बड़ाई करते रहते हैं। मैं बड़ाई नहीं करता साहब, मैं आपको सिर्फ बताता हूँ ताकि आप मोटिवेट हो सकें। आपको लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी सही जी है तो मैं सही ज़िंदगी जीने का तरीका तो बताऊंगा आपको। तो ये खिजाब हम इसलिए लगाते हैं कि हमारे बाल अच्छे नहीं लगते, सफ़ेद होते हैं। मैंने ज़िंदगी में आज तक खिजाब नहीं लगाया, मैं ज़िंदगी में बाल काले करके नहीं घूमता। ये जो बाल पकते पकते आते हैं, मेरे पास ये कि एक अच्छा एक रीज़न होता है, अरे साहब मैंने 160 साल के भीष्म पितामह का रोल किया है तो आज ये थोड़े से वो सफ़ेद बाल मेरे को क्यों डिस्टर्ब करेंगे। तो ये एक नेचुरल है और आजकल तो अच्छा भी लगता है, तो मैंने कभी नहीं लगा। तो वो भी कोशिश कीजिए अगर आप अवॉइड कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट पे अगर मैं आऊँ तो मैं ये कहूँगा कि तेल से दोस्ती कीजिए। जो भीष्म जो शक्तिमान बनकर भी मैंने बच्चों को कहा था कि तेल को बना लो अपना दोस्त। आपका खाना, आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, आप तरह तरह के विटामिन्स लेते हो, दूध पीते हो, मच्छी खाते हो, चिकन खाते हो, मटन खाते हो, ये सब आपके शरीर, आप बोलते हैं शरीर को ज़रूरत है, शरीर के ये सब पौष्टिक पदार्थ है। तो मैं आपको बता दूं बालों का पौष्टिक पदार्थ तेल होता है, ऑयल होता है, तरह तरह के ऑयल मिलते हैं। अगेन आपको ऑयल का भी सिलेक्शन सही करना चाहिए, हर तरह के तेल मिलेंगे। मैं समझता हूँ सरसों का तेल जो मैं सालों से यूज़ करता हूँ, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑयल, जिसको आप लगाइए, आप 10 दिन 7 दिन या हो सके 15 दिन में एक बार आप उसको अपने बालों को मालिश अपने हाथों से करके उसको तरोवार सरोवार कर दीजिए। मैं अपने मदर से, मेरी मदर मुझे याद है जब बचपन में मैं 10 साल का हुआ करता था पता नहीं, और मेरी मदर मेरे को बैठ जाती थी और मेरे सिर पे चंपी करती थी और फिर वो बाल को लेके फिर मैं अपने सिरहाने पर एक टॉवल रखता था और फिर सो जाता था, फिर सुबह उठकर साबुन से नहा लेता था। ये मैं हमेशा करता है, शायद इसने भी मुझे हेल्प किया है। तेल लगाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि आजकल के जो मॉडर्न यूथ हैं वो तेल लगा के समझते हैं कि हम चिकने चिकने तेली तेली लगेंगे,
उनको लगता है बाल चिपक जाते हैं, उनको चाहिए उठे हुए बाल, उड़े हुए बाल। आजकल तो वो जेल लगा के सीधे खड़े कर देते हैं। तो तेल से मत घबराइए। इसलिए कहता हूँ कि अगर आप घर से बाहर तेल लगा कर नहीं निकल सकते, तो कम से कम घर की चार दीवारी में चुपचाप रात को हफ्ते में या 15 दिन में एक बार लगा कर सो जाइए। आपके बाल आपको दुआएं देंगे, क्योंकि उनको वही उनकी खुराक होती है। वो बाल जो होते हैं, ये सब इतने पतले पतले बाल होते हैं, इसके अंदर कैपिलरी रिएक्शन होती है। जैसे हम तेल लगाते हैं, कैपिलरी रिएक्शन में उसके जो जड़ों में चला जाता है और वो जड़ें मजबूत हो जाती हैं। तीसरा पॉइंट पे अगर मैं आऊँ तो एक है तो बहुत छोटा सा पॉइंट, लेकिन मैं समझता हूँ है इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि कई लोगों को मैंने देखा कि नहाने के बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो अपने बालों को सुखाते नहीं हैं, टाइम नहीं होता उनके पास। अपने बदन को सुखा सुखा के कपड़े वड़े पहनते, फ़ोन पर मोबाइल में बात कर रहे थे, मम्मी जल्दी नाश्ता रखो, ये करते हैं वो करते हैं, और गीले बालों से बाहर चले जाते हैं। आई थिंक ये भी नुकसानदेह है हमारे बालों के लिए। आप कोशिश कीजिए अपने बालों को सुखाइए। चलिए मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे सुखाता हूँ। मैंने ये रिचुअल आज से नहीं, शायद 20-25 साल से बना रखा। हम अपने शरीर को तो सुखा लेते हैं, लेकिन सिर को सुखाने के लिए मैं बाहर जाके बैठ जाता हूँ, एक टॉवल लेकर छोटा सा सूखा हुआ, उसके ऊपर बैठ के मैं पूरा 5 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट तक उसको रगड़ 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 के, जब तक वो पूरी तरह से सूख नहीं जाता तब तक मैं अपने हाथ नहीं रोकता। वो बाल जब सूख जाते हैं, और आपको बता दूँ मैंने इसके लिए एक इंटरेस्टिंग रिचुअल ऐड कर दिया था आपके साथ में, जो आप शायद करना ना भी चाहें या चाहें, मैं वो करते करते एक हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूँ। एक पंथ दो काज हो जाते हैं, हनुमान चालीसा का कॉन्सेंट्रेशन भी आ जाता है और बालों को मैं सुखा भी देता हूँ। दूसरा पॉइंट है कि गीले बालों को गीला मत छोड़िए। तो कुछ चीज़ें जो बालों के लिए अच्छी हैं वो करिए, हो सकता है आपके बाल मेरी तरह एक लंबे दौर तक चलें, जो बहुत ज़रूरी है। आज के युग में तो हम क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, हमें नहीं पता है। इसलिए ये छोटी छोटी बातें एक बार फिर से रिपीट करूँगा मैं आपको, कि आप जो है ये तीन बातें आप दिमाग में रखिएगा। पहली बात तो ये है, जैसे कि मैंने कहा कि आपको बालों को तेल की खुराक देनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि आप अपना साबुन एक फिक्स कर लीजिए, उस साबुन को आप अपने साथ ही रखिए, भले शरीर के लिए दूसरा साबुन इस्तेमाल कीजिए, बालों के लिए एक फिक्स साबुन फिक्स कर लीजिए, जिसमें सोडा कम होना चाहिए। चंद्रिका में सोडा कम है। मैं सालों से बोल रहा हूँ कि मैं चंद्रिका सोप इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मुझे हैरानी होती है कि चंद्रिका बनाने वालों को अभी तक नहीं पता लगा कि मुकेश खन्ना चंद्रिका का इस्तेमाल करता है। मेरे को एक भी फ़ोन नहीं आया उनका थैंक्स बोलने के लिए। खैर, दैट इज़ जोक्स अपार्ट, आप एक साबुन रखिए। तीसरी बात, जैसे कि मैंने कहा कि आप जो है वो बालों को गीला मत छोड़िए, नहाने के बाद उस बालों को एक साफ़ सुथरे सूखे चावल टॉवल से आप सुखा लीजिए। तो ये था मेरी, मैं अभी इसे ये तो नहीं कहूँगा कि मेरा राज है, क्योंकि उसमें मेरे माता पिता के जीन्स भी हैं होंगे, भगवान की दया भी होगी। और ये मेरे, अगर आप कई लोग पूछते हैं आपकी बालों के सेहत का राज क्या है, तो मेरे बालों के सेहत का राज ये है।